मध्य प्रदेश में द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा बरकरार है। कुछ समय पहले सुर्खियों में छाया लखन सिंह चौहान और श्रेष्ठा जोशी विवाद में एक बार फिर तुल पकड़ लिया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उज्जैन में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अपनी ही पार्टी की पूर्व महिला पदाधिकारी के खिलाफ पुलिस कंट्रोल रूम पर एसपी कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया और पुलिस प्रशासन और महिला कार्यकर्ताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। लखन सिंह चौहान का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल उपाध्यक्ष लखन सिंह चौहान एक बार फिर सुर्खियों में बने हैं। अपनी ही पार्टी की महिला पदाधिकारी श्रेष्ठा जोशी पर अश्लील गाली देने और जाति सूचक शब्दों का उपयोग करने और धमकी देने के मामले में अजाक थाने में केस दर्ज कराया था, लेकिन उस विवाद में गिरफ्तारी को लेकर एसपी कार्यालय के बाहर धरना दिया और अपनी ही पार्टी के मुखिया के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी की। लखन का आरोप है कि पुलिस जोशी को गिरफ्तार करने से बच रही है, जबकि कोर्ट से श्रेष्ठा जोशी की अग्रिम जमानत भी खारिज हो गई। दिया क्या है पूरा मामला? हमने 27 फरवरी को इंदौर के पूर्व भाजपा नेता श्रेष्ठा जोशी के खिलाफ एसोसिएशन में शिकायत कर दी, जिसमें मामला पंजीबद्ध हुआ है और अपहरण जैसे गंभीर धारा में पूरा मामला पंजीबद्ध है, क्योंकि 4 महीने के आज तक उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही। ठीक है, पुलिस प्रशासन इतना कमजोर है कि उसकी गिरफ्तारी नहीं कर पाए, क्या उसका दर्द इतना बड़ा है कि उसकी गिरफ्तारी के लिए सोचना पड़े। मैं माननीय आई साहब को भी मिलने गया था, उन्होंने 2 दिन का आश्वासन दिया है, और इसीलिए हम पूरे हम दलित समाज के लोग हम यहाँ पर धरना दे सकते हैं। माननीय एसपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि मैं 2 या 3 दिन में उसकी गिरफ्तारी करवाता हूँ, मतलब होती है 2 या 3 दिन में उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है, तो मेरा अपना दलित समाज हम ये भूख हड़ताल पर धरना देंगे। आगे की यदि अगर श्रेष्ठा जोशी की गिरफ्तारी अगर नहीं होती तो पूरा दलित समाज सरकार से नाराज है, इसका कहीं ना कहीं चुनाव में परिणाम गलत आएगा और मेरा अपना दलित समाज यहाँ पर हम भूख हड़ताल पर धरना देंगे अगर 3 दिन में उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो। आपका नाम? लाखन चौहान, भाजपा युवा मोर्चा मंडल। उज्जैन से मयंक गुर्जर की रिपोर्ट।